सबसे पहले मैं साहिल सर को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा ऑफिस की ओपनिंग की है, बहुत अच्छी पूजा की है, हम लोग सब आए. एंड सेकंड थिंग, ये मंत्रा म्यूज़िक स्पॉन्सर्ड है साहिल सर का जो ऑफिस है, साहिल स्टूडियोज़ जो महाड़ा में है. और ये स्पेशल न्यू कमर्स के लिए है जिनको न्यू प्लेटफॉर्म चाहिए. सो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं मंत्रा म्यूज़िक चैनल पर. एक और चैनल इनका बहुत जल्दी आ रहा है यूट्यूब पर, जिसके बारे में आपको पता लग जाएगा. और जो भी न्यू कमर्स बॉम्बे में आके काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं. पूरा एड्रेस नीचे दिया गया है, वहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं, साहिल सर से मिल सकते हैं. यहाँ पे पूरी टीम है, सो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा. सो गाइज प्लीज कम. अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत कुछ होने वाला है. अभी इनके बहुत अच्छे अच्छे एल्बम्स आ चुके हैं, अगर आपने सुने होंगे तो. बहुत जल्दी एक नया एल्बम रिलीज़ हो रहा है, इनकी वेब सीरीज़ आने वाली है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. आप आइए, जुड़िए, तो आपको पता लगेगा कि और क्या क्या आ रहा है. ऑफकोर्स मैं भी इनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, आधे अधूरे सॉन्ग का नेम है, मैं वो कर रही हूँ. और इसके अलावा मेरा एक और प्रोजेक्ट इन्हीं के साथ बहुत जल्दी आ रहा है. ये लोग बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरा टीम सपोर्ट के साथ में काम करता है. इसीलिए आप भी जुड़िए, काम कीजिए, यहाँ पर आइए. कि जो सॉन्ग है उसी के पर्पज़ पे रिलीजिंग है, उसी के लिए जो है हम आए हुए हैं यहाँ पे. अभी ये हमारे प्रोडक्शन का नया यहाँ पे ओपनिंग हो रही है ऑफिस की, तो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम यहाँ पे लगे हुए हैं. सारी टीम अवेलेबल है यहाँ पे. अभी जो सॉन्ग आने वाला है उसी के बारे में साहिल सर से एक्चुअली किसी जो मेरे फ्रेंड थे इन्होंने बताया कि ऐसे हैं प्रोजेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हो, साहिल सर हैं, उनसे आप मिलेंगे तो उसके बारे में आपको वो बताएंगे. तो इनसे मिला तो इन्होंने हमसे डिस्कस किया, इनको गाना सुनाया तो उनको अच्छा लगा, वो बोले कि हम इस प्रोजेक्ट पे आगे काम करेंगे. बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ जो काम रहा, वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा मेरा अभी तक.
मैं एज ए म्यूजिशियन हूँ यहाँ पे। मैंने जो गाना अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ रहा है उसमें मैंने ये गाना कंपोज किया, आधे अधूरे करके प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी पूजा राठी जी हैं और शादमान खान एक्टर है, डायरेक्ट किया है हमारे राजवीर सर ने और प्रोड्यूस किया है जिगर रतानी सर ने, तो वो हमारी पूरी टीम है। तो मैंने कंपोज भी किया है गाना आधे अधूरे और लिखा भी है और मैंने ही गाया भी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मंत्रा और साहिल शाह स्टूडियो का जो ओपनिंग हुआ है उसके बारे में, और मैं जहाँ पे इस टीम का हिस्सा हूँ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और बस यही है कि आगे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है और इसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ और इस टीम का डायरेक्शन कर रहा हूँ, जो भी सॉन्ग आ रहे हैं उन सबका मैं और साहिल भाई दोनों मिल के डायरेक्शन कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी भगवान का पहले धन्यवाद है कि ये भगवान की कृपा है कि जो भी भोजपुरी है या हिंदी का मुहूर्त कराते हैं वह पिक्चर सुपरहिट जाती है। पवन सिंह के तो आज तक जितने भी पिक्चर सुपरहिट हुए हैं मैंने ही मुहूर्त कराया, अभी उनका आ रहा है, मैंने उनको सजन चुन लिया, वो भी सुपरहिट ही होगी, उसका भी मुहूर्त मैं कराया था। और ये साहिल जी को भी मैं पहले शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने नाम बहुत अच्छा रखा, इसका मंत्र रखा। तो हमारे भोजपुरी सिनेमा में यह परिवर्तन हो रहा है कि सब आध्यात्म के तरफ जा रहे हैं, मूवी के नाम भी बहुत अच्छे आध्यात्म की तरफ रख रहे हैं। और मैं सभी भोजपुरी सिनेमा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी हमारी भोजपुरी जो है उत्तर भारत हमारी संस्कार पूरी दुनिया को देती है, तो आप इसको भोजपुरी को फुहरपना से बचाइए और अच्छे अच्छे जो अभी मूवी आ रहे हैं जो हर फैमिली हर समाज के लोग देखना चाहते हैं इसको ज़रूर आप लोग ऐसा मूवी बनाइए। और मैं एक बार फिर पुनः साहिल जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनका यह जो बनाए हैं यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अच्छा मूवी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आज हमारे जो भाई और हमारे मित्र कह सकते हैं साहिल भाई उप टाइगर जी के आज मतलब इस ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, हम लोग यहाँ पे थे, पूजा हुआ, बहुत अच्छा लगा एंड हम चाहते हैं कि भाई बहुत जल्दी बुलंदियों पे पहुँचे। थैंक यू। सबसे पहले आप यहाँ पे सब जितने भी आए हैं सबको मेरा धन्यवाद है कि वो लोग टाइम निकाल के आ जाए। और मंत्रा साहिल करके आज स्टूडियो मेरा नया ओपन हुआ है और बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे जो पहले चलता था मेरा फ़ोटोशूट वही चलेगा, प्लस में म्यूजिक वीडियो जो हम लोग अभी करके आए हैं, जिया है बेकरार, फिर आधे अधूरे, ये सारे गाने अभी तो मेरे आ रहे हैं, फिर हम लोग फिर से दो को जा रहे हैं नेपाल शूट करने, तो इसी ऑफिस से हैंडल करेंगे। ये प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस है और ये इससे फिल्में भी आएगी, म्यूजिक वीडियो भी आएगी, शॉर्ट फिल्में भी आएगी, सारी चीज़ आएगी। एक डिसाइड का कोई वो नहीं है, और भोजपुरी भी चल रहा है अपना, हिंदी भी चल रहा है, बेसिकली अभी तो पूरा हिंदी चल रहा है। और हमारा बहुत जल्दी एक यूट्यूब चैनल भी आ रहा है क्यूट बॉक्स, जिसको मैं हैंडल करने वाली हूँ, ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब पैसा इनका है, चलाने वाली मैं हूँ। सो गाइज प्लीज़ अभी चैनल बहुत जल्दी आ जाएगा यूट्यूब पे, प्लीज़ जाइए सर्च कीजिएगा क्यूट बॉक्स और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अभी हमारा भी गाना आया है जिया है बेकरार, जो काफ़ी सारा बहुत ही लोगों का प्यार मिला है उसको, तो एक बार जिया है बेकरार को भी देखें आप, बहुत प्यारा है। ये बस आप लोग का प्यार बनाए रखें। थैंक यू। भूषण की तरफ से नमस्कार, हमारे जितने भोजपुरी दर्शक देख रहे हैं आज आप लोगों को एक जानकारी दे रहा हूँ कि आज मुंबई में अंधेरी वेस्ट में महाडा स्थित 88 नंबर बंगलो में म्यूजिक कंपनी का ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ जी साहिल शेख जी हैं, साहिल शेख जी का ये कंपनी साहिल शाह जी का ये ऑफिस है और इन्होंने मंत्रा म्यूजिक कंपनी खोला है जहाँ फोटोशूट किया जाएगा। और हमारे गुरुदेव उपस्थित हैं जिन्होंने सुबह से लग करके अभी पूजा समाप्त से पूजा कराए हैं। और सुरेश जी के आप लोगों को परिचय मोहताज नहीं है, जानते हैं हमारे हर पूजा में सुरेश जी गुरु जी उपस्थित होते हैं, तो आज मैं साहिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से कि इनका जो स्टूडियो है पूरे दुनिया में नाम रोशन करें।
दुबई से भी लोग आकर के यहाँ पे अपना गाने रिकॉर्ड कराएं और इनके चैनल पे अपलोड कराएं, फ़ोटो शूट कराएं। और हमारे बाबा जी का भी आज फ़ोटो शूट हुआ है थोड़ा बहुत। बाबा जी कुछ बोलेंगे? मैंने बोला है। और कुछ बोल दीजिए। दुबई से फ़ोटो शूट करवाने के लिए तो आप बुला रहे हो अभी, और साहिल शाह ने बहुत सदियों से इन्होंने भोजपुरी समाज की सेवा के लिए फ़ोटो शूट कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी दिखाई दे रहा है। चूँकि मैं आ गया तो सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, सबको पता चल गया कि आज उद्घाटन हो गया। क्यों साहिल जी, पता चल गया ना? सो मच क्या पाए, तुम्हें दुख नहीं है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है? ये अपने आप में सेलिब्रिटी है, ये अपने आप में सारे सारे सेलिब्रिटी आएंगे, सब आ रहे हैं आज। आज आप लोग बता दूं कि मुंबई में कोई सेलिब्रिटी उपस्थित नहीं है, सारे लोगों की शूटिंग चल रही है, बिजी हैं। खेसारी जी हमारे लखनऊ में हैं, पवन जी भी बाहर ही हैं, चिंटू जी रायपुर में हैं, दिनेश भी बाहर शूट कर रहे हैं, तो मुंबई में नहीं होने के कारण आजकल कोई सेलिब्रिटी नहीं आया। जैसे ही वो लोग आएंगे इनके आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। थैंक यू।